हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को टेबिस डॉर्सलिस की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। टेबिस डॉर्सलिस किसे कहते हैं और ये क्या है, और होम्योपैथी इसे कम्प्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं टेबिस डॉर्सलिस के नाम, ये अदर नेम न्यूरोसिफिलाइटिस भी कहते हैं, सिफिलैटिक मेलाइटिस भी बोलते हैं, और अदर नेम लोकोमोटर अटैक्सिया भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम से, इन नामों से ये डायग्नोसिस प्रिपेयर होती है। टेबिस डॉर्सलाइज दिस नेम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, ये भी एक स्पाइनल डिसऑर्डर है। इस स्लोली प्रोग्रेसिव नर्वस डिसीज एंड अफेक्टिव द बोथ मोड्स ऑफ सेंसरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये CNS डिसऑर्डर है, साथ में स्पाइनल को इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने बताया न्यूरोसिफिलाइटिस, ये सिफिलैटिक डिसीज है। कॉजेज ऑफ टेबिस डॉर्सलिस किन कारणों से होता है, डीमेलाइनेलिस बाय द एडवांस एंड सिफिलिटिस इन्फेक्शन, टर्टरी सिफिलिस हो जाता है, इस कॉल्ड द न्यूरोसिफिलाइटिस। स्पायरोकिट्स बैक्टीरिया, ट्रेपोनेमा पैलेडियम न्यूरोसिफिलिस दैट स्प्रेड सेक्चुअली ट्रांसमिशन डिसीज, ये इन्हीं बैक्टीरियल एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के कारण ये डिसीज अपियर होती है, जो स्पाइनल और नर्वस को इफेक्ट करती है। साइनिंग सिम्टम्स क्या हैं टेबिस डॉर्सलाइज के, न्यूरोसिफिलिटिस की, एबनॉर्मल सेंसेशन एंड लाइटनिंग पेन, प्रॉब्लम वॉकिंग, चलते फिरने में प्रॉब्लम्स आती, सच एज विद द लेग एंड लेग ऑफ पार्ट्स, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्शन, joints damage especially of the knees, muscles weakness, vision changes, bladder control problem, osteoarthritis, deformities of joints, excessive pain, redness, itching and burning joints and slight inflammations। ये टेबिस डॉर्सलिस के symptoms हैं neurosyphilis के, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिसीज के कारण ये डिसीज अपीयर होती है। इसलिए ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, जैसे जैसे पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशंस पे होते हैं उनके अलग अलग सिम्टम्स अपीयर होते हैं और दिखाई देते हैं। अगर आपको से आप टेबिस डॉर्सलिस से या न्यूरोसिफिलिसिस से अफेक्ट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, इसे कम्प्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। होम्योपैथी मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि टेबिस डॉर्सलिस की ये कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और 60-70% आपको रिलीफ हो सकता है। मे बी अगर आप सिर्फ ओनली टेबिस डॉर्सलिस से और सिम्टम आपके एक्यूरेट हैं, मैच करते हैं, तो आप क्योर हो सकते हैं। अगर आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटिक है, बीपी है, या किडनी रिलेटेड है, या हार्ट से रिलेटेड है, या अदर कोई भी हेल्थ इश्यूज है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप इंडिविजुलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन भी हाफ पे मेडिसिन ले सकते हैं और आप कंप्लीट क्योर हो सकते हैं। और डाइट इंस्ट्रक्शंस में आपको पिकल्स, सॉल्ट और स्वीट्स को अवॉइड करना है, एक्सेसिव कोई भी चीज़ नहीं खानी है जब तक कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं आप, कैल्शियम वगैरह, ये तो आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। इनके होम्योपैथिक मेडिसिन है, फर्स्ट है रेस्टॉक्स 200 टू टाइम्स अ डे फॉर 8 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक मेडिसिन है। और सेकेंड मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट में यूज़ कर सकते हैं, 200 का एक सिंगल डोज है, ये नाइट में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर 4 वीक के लिए, फॉर 1 मंथ, इस साथ में यूज़ करना है। फर्स्ट है रेस्टॉक्स एंड सेकेंड है नाइट्रिक एसिड, ये दोनों मेडिसिन आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। टेबिस डॉर्सलिस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट